एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व करना है इक्वालिटी 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए तो माइनस 7 को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों साइड 7 ऐड कर लूँ, तो मुझे मिलेगा 3x माइनस 7 प्लस 7, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 5x माइनस 1 प्लस 7। तो यहाँ से मिला 3x, ये कैंसिल हो गए, ग्रेटर देन 5x, माइनस के 1 है प्लस के 7 है, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 1 6, साइन वो लगेगा जो बड़ी रकम का है, बड़े नंबर के आगे है यानी कि प्लस का। तो 3x है, राइट साइड में मुझे x नहीं चाहिए तो दोनों साइड से 5x माइनस कर लूँ, तो 3x माइनस 5x ग्रेटर देन 5x प्लस 6 माइनस 5x। तो प्लस का 3 और माइनस का 5 है, अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आएगा और साइन वो लगेगा जो बड़े नंबर के आगे है यानी कि माइनस का, और ये कैंसिल हो गए तो 6 आ गया। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो माइनस 2 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हिंट मिल रहा है कि दोनों साइड माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो माइनस 2x ओवर माइनस 2 ग्रेटर देन 6 ओवर माइनस 2। अब यहाँ पर बात ध्यान रखनी है कि हम माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर की बजाय लेस का हो जाएगा, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ से आपको मिल जाएगा x, और लेस देन 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, ऊपर प्लस नीचे माइनस, जैसे प्लस गुना माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होते हैं, वैसे प्लस डिवाइडेड बाय माइनस भी माइनस होते हैं 3। तो x लेस होना चाहिए माइनस 3 से, तो x लेस देन होना चाहिए माइनस 3 से, तो माइनस 3 से जो लेस नंबर है वो माइनस 3 से पहले मिलेंगे, तो x की वैल्यू माइनस 3 से पहले होएगी। पहले कैसे पता चला कि x की तरफ क्लोज है, माइनस 3 की तरफ ओपन है, तो जो बड़ा होगा वो राइट साइड में होगा, जो छोटा होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। तो x लेस है मतलब पहले है माइनस 3 से, तो माइनस 3 से पहले माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इसका मतलब x बिलोंग कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 3 तक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।